sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ। तो आज हम चलते हैं वृंदावन। वृंदावन में प्रियकांचू टेंपल के अपोजिट में है ये कृष्णा फन लैंड। देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर गेम, टू टाइप्स के गेम यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। बच्चों के लिए स्विमिंग एक्टिविटीज़, बड़े भी इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बड़ों के लिए भी काफ़ी ऐसे गेम्स वगैरह हैं और स्विमिंग वगैरह ये सब कुछ है। वाटर पार्क भी है इसमें। और देखिए बहुत ही अच्छा सेटअप किया है बच्चों के लिए, मतलब यहाँ पे बच्चे कभी बोर नहीं हो सकते हैं, इतना अच्छा सेटअप है। हमने ले लिया है अपना टिकट, अब हम चलते हैं टिकट काउंटर से। हमने एक कूपन ले लिया है जो कि 500 का है। 500 में हमें 12 गेम मिलेंगे, मिलते तो वैसे 10 है लेकिन 2 गेम उसमें फ्री हैं, तो इंक्लूड करके टोटल हमारा 12 गेम हो जाएंगे। कुछ गेम्स यहाँ 50 रुपीज़ में हैं और कुछ गेम्स 100 रुपीज़ में हैं। हर गेम के अलग अलग चार्जेस नहीं हैं, मोस्टली 4 से 5 गेम हैं जिनका चार्ज 100 रुपीज़ है, बाकी सब 50 रुपीज़ में है टोटल गेम। तो उसमें मतलब ये देखिए दे रखा है यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह, देखिए ऑल टाइप्स गेम दे रखे हैं। ये आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए सर्कुलेटिंग बाउल है ये हॉर्स राइडिंग है। वीडियो सामने इसमें चलती है और इसमें हॉर्स राइड करता है और मिनी रैबिट राइड, पिकॉक राइड, और इसमें साइड में हमारा सॉफ्ट ट्री का भी सेटअप बनाया हुआ है। इस तरीके से ये इंडोर गेम है यहाँ पर, और अभी हम आपको आउटडोर गेम का भी टूर कराएंगे। तो अभी मैं आपको इंडोर गेम का विजिट करा रही हूँ। पर मानू डॉल्फिन राइड कर रहा है, तो बहुत सारी राइड हैं बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। देख रहे हैं मिरर मेज और हंटेड हाउस इसमें भी है, ये भी है। इसका चार्ज 100 रुपीज़ है पर पर्सन। और यहाँ पर देखिए गेम्स दिए गए हैं, ये अलग अलग टाइप्स के गेम हैं। सामने जो गेम है ग्रीन वाला जो सेटअप आपको, ये है गन शूटिंग, बॉल गन शूटिंग गेम है ये। तो बॉल मारनी है आपको ऐसे, तो मानू तो नहीं कर पाएगा, तो वो देख रहा है और इन्जॉय कर रहा है। और इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट है
मतलब ऑल टाइप इंडोर गेम है यहाँ पर, शायद ही कोई गेम होगा जो नहीं होगा। और देखिए गन शूटिंग ये आ गया, ये भी गेम बहुत मस्त लगा मुझे बच्चों के लिए। मानू यहाँ पर कर रहा है, देखिए कंटिन्यू खेल रहा है। और उसके बाद हमने सारे गेम तो नहीं कराए बच्चों को, जो बच्चे की एज के हिसाब से ही हमने उनको वही गेम कराए हैं। तो यहाँ इंडोर गेम हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम आउटडोर के लिए निकलते हैं। आउटडोर में हम सबसे पहले यहाँ पर ट्रेन वाला करेंगे, जो यहाँ पे बच्चों के लिए ट्रेन होती है उसमें बड़े लोग भी बैठ सकते हैं। तो अब हम आउटर में आ गए हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले ट्रेन वाला गेम ही करना है। सामने आपको दिख रहा है वाटर पार्क है, ये छोटा सा कैंटीन का सेटअप है इधर, और इधर देखिए ट्रेन खड़ी हुई है। तो बच्चे ट्रेन को देखते ही बहुत एक्साइटेड हो गए कि हमें पहले ट्रेन वाला ही करना है। तो अब हम ट्रेन वाला करते हैं। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. सबसे
सबसे ऊंचा है, ये 25 फीट ऊंचा है, काफ़ी बड़ा स्लाइड है ये, तो बच्चों को इसको बहुत ही केयरफुली करना होता है। तो मतलब बड़े बच्चों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं कि मतलब पीछे से इसमें आते हैं चढ़ के, चढ़ने वाला क्लाइंबिंग का ऑप्शन है पीछे, वहाँ से आके। और ये है पूरा बलून, इसमें बड़े लोग भी जा सकते हैं। बच्चे देखिए कितना मज़ा कर रहे हैं। जो आप सामने देख रहे हैं गाइज, ये है माउंटेन राइड क्लाइंबिंग। बहुत ही अच्छा है ये बच्चों के लिए, जैसे कि कभी टूर वगैरह पे जाते हैं, माउंटेन पे क्लाइंबिंग वगैरह का कुछ होता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। और बच्चों को इससे करने से बच्चों की हाइट भी बढ़ती है और मतलब अच्छी फिजिकली एक्टिविटीज़ होती है, तो मतलब ये बच्चों के लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से। यहाँ पर देखिए रोप कोर्स भी है, बहुत अच्छा है, मतलब उनका पूरा सेटअप बना हुआ है। देखिए वहाँ से स्टार्टिंग हुआ है कॉर्नर से, और ये स्काई राइडिंग भी है, मतलब सब कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ नहीं हो। सिनेमा, स्विमिंग पूल, कैंटीन, इंडोर आउटडोर गेम, सब कुछ है यहाँ पर, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बोर हो सकते हो। जहाँ पर सामने म्यूजिक चल रहा है, सामने बैठो पिक कर लियो, कितना दिखाएंगे पापा को। वहाँ पर स्विमिंग पूल है, लोग स्विमिंग कर रहे हैं, काफी बड़ा सेटअप बना हुआ है। ये देखिए मेरे जस्ट वाटर पार्क है, वहाँ पर थोड़ा म्यूजिक सा चल रहा है। देखिए सामने आप देख सकते हैं, लोग अभी तक यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। वाटर पार्क का यहाँ पर टिकट हमें अलग से लेना पड़ता है, 250 का और पर पर्सन, और वाटर पार्क भी काफ़ी बड़ा है। तो चलिए अब हम कुछ खा लेते हैं, तो अब हम चलते हैं कुछ खाने के लिए लेने। तो यहाँ से देखिए ट्रेन जा रही है निकल के, एक सरप्राइज हो रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए मूवी भी आप देख सकते हैं, पिक्चर हॉल भी है यहाँ पे सिनेमा घर। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे वो भूल भुलैया 2 लगी हुई थी मूवी, जो अभी करेंटली चल रही है। तो देखिए इतना अच्छा सेटअप कहीं मिल नहीं सकता है, मूवी भी, एंटरटेन भी, और स्विमिंग भी, सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ। पूरा दिन लेकर आइए और खूब इंजॉय कीजिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए खूब सारी एक्टिविटीज़ हैं और मस्त है। मतलब ओवरऑल मुझे पूरा बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा आया बच्चों के साथ। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को टैप करना। फिर मैं किसी नई वीडियो के साथ आपके लिए फिर कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी, तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और जितना हो सके शेयर माय चैनल। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।